गर्मियों के मौसम में अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की तो जरूरत है ही। अगर आप भी इस गर्मी खुद को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं, यानी कि बीमार नहीं पड़ना चाहते, तो अपनी डाइट में हेल्दी चीज़ों को शामिल करना शुरू कर दें। जी हाँ, हम आपको एक ऐसे ड्रिंक के बारे में बता रहे हैं जिसे गर्मियों के मौसम में काफ़ी सेहतमंद मानते हैं। गर्मियों के मौसम में गन्ने के जूस का सेवन बहुत गुणकारी माना गया है। गन्ने में कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक तत्व भी मौजूद होते हैं, जो शरीर को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह गन्ने के जूस के भी हैं। ज़रूरत से ज़्यादा गन्ने का जूस आपकी सेहत को नुकसान पहुँचा सकता है। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि किन 6 लोगों को गन्ने का जूस बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। गन्ने में कैलोरी की मात्रा कुछ ज्यादा ही पाई जाती है, जो वजन को बढ़ाने का काम करती है। अगर आप वजन को कम करने के लिए डाइट कर रहे हैं तो इस दौरान भूल कर भी गन्ने का जूस ना पिए। वहीं गन्ने के रस में पॉलीकोसनॉल होता है, जो अनिद्रा की परेशानी को बढ़ाता है। ऐसे में अगर आपको भी नींद से जुड़ी परेशानी है तो गन्ने का जूस ना पिए, खासकर रात के वक्त तो गन्ने का जूस बिल्कुल भी ना पिए। वहीं गन्ने के रस में मौजूद पॉलीकोसनॉल आपके खून को भी पतला करता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपका खून पतला है तो आप इस जूस को दिन भर में एक ग्लास से ज्यादा बिल्कुल भी ना पिए। वहीं डायबिटीज मरीजों को कई चीजें खाने की मनाही होती है, खासतौर पर मीठी चीजें। डायबिटीज में गन्ने के रस का सेवन करने से भी बचना ही चाहिए। गन्ने के रस का ज्यादा सेवन करने से कैविटीज की परेशानी हो सकती है, क्योंकि गन्ने में मिठास होता है। तो अगर आपको भी कैविटी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो गन्ने के रस का सेवन जरा कम कर दें। गन्ने की तासीर ठंडी होती है, इसलिए अगर आपको भी सर्दी जुकाम आसानी से लग जाती है तो दिन भर में केवल एक ग्लास ही गन्ने का जूस पिएं, वरना आप भी सर्दी जुकाम से परेशान हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।